क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहा है? ए मैट्रिक्स दिया है 3x3, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। हमें प्रूव करना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ अगर सारे मैट्रिक्स हैं तो इक्वल्स टू में भी मैट्रिक्स ही होगा, नंबर नहीं होगा, तो ये एक नल मैट्रिक्स है, जीरो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ए क्यूब निकालना पड़ेगा, और ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर निकलेगा, और ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए को ए से इंटू करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल अगर सब्सक्राइब करो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सिर्फ एक बटन ही दबाना है तुम लोगों को, और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, पहली रो को पहले कॉलम से, तो 1 × 1 1, 0 × 0 = 0, n 2 × 2 = 4। तो मैं 0 लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधे 1 + 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है 0 लिखने का। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 × 0 = 0 हटाओ, 0 × 2 = 0, 2 × 0 = 0, मतलब 0 + 0 + 0 = 0 ही आएगा, 0 लिख देते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 × 2 = 2, 2 लिख देते हैं, 0 × 1 = 0 तो हटा दो, और 2 × 3 = 6, तो ये 2 + 6 हो जाएगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें, तो 0 × 1 = 0 हटाओ, 2 × 0 = 0 एंड 1 × 2 = 2, तो सिर्फ 2 लिख देते हैं। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 0 × 0 = 0, 2 × 2 = 4 एंड 1 × 0 = 0, तो सीधे 4 लिखते हैं। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 0 × 2 = 0, 2 × 1 = 2 एंड 1 + 3, 1 × 3 = 3, तो +3 आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 × 1 = 2, 0 × 0 = 0 एंड 3 × 2 = 6, तो ये 2 + 6 आ जाएगा। 2 × 0 = 0, 0 × 2 = 0 एंड 3 × 0 = 0, तो इसको 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, और अगला है थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो 2 × 2 = 4, 0 × 1 = 0 एंड 3 × 3 = 9, तो 4 + 9। तो हमारे पास ए स्क्वायर आया 5 0 8 2 4 5 8 0 13। कोशिश करना कि गलती ना हो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लो, पर गलती के चांसेस 0 कर लो, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो फिर फालतू के मार्क्स जाएंगे, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी है, पुट करनी है LHS में और आंसर निकालना है। ठीक, कोई दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है, जिससे मल्टीप्लिकेशन में गलती ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम में भले 1 मिनट ज़्यादा लो, 2 मिनट ज़्यादा लो, मैं तो बोल रहा हूँ 5 मिनट ज़्यादा ले लो, पर श्योर रहो कि ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं जाए। ठीक है, बहुत दुख होगा जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे और फिर चेक करोगे, अरे अरे मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी, इतनी सिली मिस्टेक। ठीक है, आता जाता क्वेश्चन छूट गया। तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 5 = 5, 0 × 2 = 0 एंड 2 × 8 = 16, 0 हटा दो, 5 + 16 लिखते हैं सीधे। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 × 0 = 0, 0 × 4 = 0 एंड 2 × 0 = 0, तो 0 लिख देते हैं। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 × 8 = 8, 0 × 5 = 0 एंड 13 × 2 = 26, तो 8 + 26 हो जाएगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 × 5 = 0 हटा दो, 2 × 2 = 4 एंड 1 × 8 = 8, तो 4 + 8। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 0 × 0 = 0, 2 × 4 = 8 एंड 1 × 0 = 0, तो सीधे 8 लिखते हैं। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 0 × 8 = 0, 2 × 5 = 10 एंड 1 × 3 = 13। थर्ड रो को किससे करेंगे हम, थर्ड रो को हम कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम से, तो 2 × 5 = 10, 0 × 2 = 0 एंड 3 × 8 = 24। अब सेकेंड थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, 2 × 0 = 0, 0 × 4 = 0 एंड 3 × 0 = 0, 0 लिख दिया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, 2 × 8 = 16, 0 × 5 = 0, तो 16 + 3 = 39। तो हमारे पास 15 + 6 = 21, 0 + 26 + 8 = 34। क्लियर, 4 + 8 = 12, 8 तो एज इट इज आएगा, 10 + 3 = 23, ये हो जाएगा 34, 0 एंड 9 × 6 = 15 होता है, ये हो जाएगा 55। ठीक है, ये हो जाएगा 49 और 6 = 55, बिल्कुल सही।
अब हम लेते हैं LHS, ए क्यूब माइनस 6A² प्लस 7A प्लस 2i, ठीक है। देखो हमारे पास ए स्क्वायर भी है, ए क्यूब भी है, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो ए क्यूब की वैल्यू पुट करें, हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू 21,034, 12,823 एंड 34,055 हमने रख दी, क्लियर। माइनस 6A² की वैल्यू रखते हैं, तो ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, हमारे पास ए स्क्वायर है 508,245,8013। और फिर हमारे पास 7A की वैल्यू है 102,021,203 एंड 2i, i की वैल्यू 100,010,001। कॉमन सेंस से i जो होगा हमारा ऑर्डर 3 मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब ऑर्डर 3 है, तो i भी ऑर्डर 3 होना चाहिए, एडिशन नहीं तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसको एज इट इज लिखते हैं, 21,034, 12,823 एंड 34,055। 6,5 is 30, 6,0 is 0, 6,8 is 48, 6,2 is 12, 6,4 is 24, 6,5 is 30, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 का सारे नंबर्स में, 6,8 is 48, 6,0 is 0, 13,6 is, तो ये 13,6 is होगा, 6,18 is 78। 7 के अंदर इंटू का, तो 7, 0, 7 to 14, 0, 7 to 14, 7, 14, 0, 21। और 2 का अंदर इंटू करें तो 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 21 minus 30 is -9, ठीक। 0 minus 0 is 0, 34 minus 48 ये हो जाएगा 6 plus 8, 14 हो जाएगा माइनस का। 12 minus 12 is 0, 8 minus 24 is -16, क्लियर। 23 minus 30 is -7, 34 minus 48, तो ये हो जाएगा 8 plus 6 minus 14, 0 minus 0 is 0, 58 minus 55 minus 78, तो ये हो जाएगा 23 प्लस। अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 plus 2 is 9, 0, 14 plus 0 is 0, 14 plus 0 is 14, 0 plus 0 is 0, 14 plus 2 is 16 एंड 7 plus 0 is 7, 14 plus 0 14, 0 plus 0 is 0 एंड 21 plus 2 is 23। अब देखो क्लियर है, यहाँ -9 plus 9 is 0, 0 plus 0 is 0, -14 plus 0 is 0, 0, -16 plus 6 is 0, -7 plus 7 is 0, -14 plus 14 is 0, 0 plus 0 is 0 एंड 23। एक मिनट, यहाँ -23 आएगा, 78 बड़ा है, तो -23 plus 23 is 0, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया, ये RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ये नल मैट्रिक्स होगा, हमने प्रूफ कर दिया।